जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं नितेश पाल फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, दो पेपर हम कर चुके हैं 2022 का, फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का। दोनों सेक्शन के पेपर हमने रिवाइज कर लिए हैं, दोनों सेक्शन के पेपर हम लगा चुके हैं। आज मैं आया हूँ 2021 के फर्स्ट टर्म का पेपर लेकर के, राइट है। चलिए चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अगेन। पेन और कॉपी लेकर के रेडी रहिएगा। आपको लग रहा है कुछ भी काम की बातें हैं, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जो लिखना चाहिए, जो याद करना चाहिए, नोट्स बना लीजिएगा और उसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 51 पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं, ठीक है। एक मिनट जरा मार्कर ले लेता हूं मैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर देखिए, हिंदी में मुझे कुछ प्रकाश वर्ष जैसा दिखाई दे रहा है, देखते हैं क्या होना चाहिए, राइट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अबाउट लाइट ईयर। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रकाश वर्ष के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। सभी को पता होगा प्रकाश वर्ष के बारे में, ठीक है। प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर जो है, इट इज द यूनिट विच इज यूज टू मेजर द लार्जर डिस्टेंस, ठीक। भैया पता होना चाहिए कि लंबी दूरी को मापने के लिए बेसिकली देखिए बहुत सारे यूनिट्स हो सकती है, बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं, बट लंबी दूरी को मेजर करने के लिए बेसिकली हम तीन डिफरेंट यूनिट्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है, फर्स्ट जो होता है बच्चों, वो कौन सा होता है? फर्स्ट होता है लाइट ईयर, हिंदी में इसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। दूसरा जो होता है बच्चों, वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक, खगोलीय मात्रक कहलाता है। और तीसरा आप ध्यान रखिए कौन सा होता है, पारसेक। क्या होता है? पारसेक, ठीक। वर्डिंग्स पर जाइए, PARSEC, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको पैरालेक्टिक सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? पैरालेक्टिक सेकंड। देखिए पीछे सेकंड लिखा हुआ है तो कई बार ऐसा लगता है सुन करके कि पैरालेक्टिक सेकंड मतलब ये टाइम की यूनिट होना चाहिए, बिकॉज बेसिकली हम सेकंड वर्ड का यूज किसके लिए करते हैं? टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पैरालेक्टिक सेकंड का टाइम से कुछ भी लेना देना नहीं है। सो पैरालेक्टिक सेकंड, ये भी लार्जेस्ट डिस्टेंस को मेजर करने की थर्ड यूनिट्स होती है, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस, बिल्कुल फर्स्ट वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। अभी मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बेसिकली हम तीन डिफरेंट यूनिट्स का यूज करते हैं, राइट है, उनमें से लाइट ईयर फर्स्ट है, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज पर जाएंगे यदि हम, तो देखिए लाइट ईयर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर, भी चूंकि बड़ी डिस्टेंस है, चूंकि लार्जेस्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो पावर जो है बेटा वो सबकी काय में आएगी, प्लस में आएगी, राइट है। सो 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की वैल्यू पर जाएंगे, इसकी वैल्यू जो है वो लगभग 3 × 10⁻¹ⁱ मीटर होगी, राइट है। पारसेक पैरालेक्टिक सेकंड की यूनिट पर जाएंगे तो लगभग 1.04 × 10⁻¹⁶ मीटर के आसपास होगी। अगली बात समझ में, ठीक। मतलब लाइट ईयर की पावर में क्या आ रहा है? 10⁻¹⁵। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय मात्रक की पावर में क्या आ रहा है? 10⁻¹⁵। और पैरालेक्टिक सेकंड की पावर में क्या आ रहा है? 10⁻¹⁶ मीटर, ठीक। तो पहला वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, प्रकाश वर्ष जो है अति दूर को दूरियों को मापने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। दूसरा बोल रहा है लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज टाइम, वेरी लार्ज टाइम, बिल्कुल गलत। टाइम को मेजर करने के लिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, थर्ड वाला पॉइंट भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हमने देखा यहां पर तीनों पॉइंट रीड करने के बाद फाइनली हमें यह क्लियर होता है कि लाइट ईयर जो है, इट इज अ यूनिट विच इज यूज फॉर मेजरिंग द वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो हम 51 में देखते हैं क्या दे रखा है। 1, 2 और 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला, दूसरा, क्या तीनों करेक्ट है? बिल्कुल गलत, राइट। सेकेंड एंड थर्ड बिल्कुल गलत। कौन सा वाला पॉइंट करेक्ट है बच्चों? फर्स्ट वाला पॉइंट करेक्ट है, ये डी वाले ऑप्शन में क्या है? 1 only। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 only, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, और बच्चों ये बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो जाता है, ये लास्ट ईयर CDS में भी पूछा हुआ था। बड़े ध्यान से देखिए क्या है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर, किसके संबंध में बात कर रहा है? डेंसिटी ऑफ वाटर के संबंध में बात कर रहा है। रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज करेक्ट, इनमें से कौन सा वाटर की डेंसिटी के संबंध में करेक्ट ऑप्शन है? ठीक, पानी के घनत्व के संबंध में करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 °C इज 1000 kg/m³। देखिए मैं यहां पर एक आपको एक बात बताना चाहूंगा, डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में ध्यान रखिए, पानी का जो बिहेवियर होता है वो एनोमलस बिहेवियर होता है।
एनामोलस बिहेवियर का मतलब ये होता है, बेसिकली बच्चों हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, चूंकि एक्सपेंशन होता है सब्सटेंस में, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। ताप बढ़ाने पर आयतन जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर के लिए ये थोड़ा सा उल्टा है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, आयतन बढ़ेगा नहीं बच्चों, उसका आयतन क्या होगा, कम होगा। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक यदि आयतन क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमें पता है कि डेंसिटी बराबर से, हमें पता है कि डेंसिटी बराबर से रो बराबर से होता है मास अपन वॉल्यूम, घनत्व बराबर से द्रव्यमान बटे आयतन। भाई 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है बच्चों, वो मैक्सिमम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल करेक्ट लाइन है। और नीचे उतरते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वैल्यू ऊपर भी डेंसिटी की वही है, नीचे भी डेंसिटी की वैल्यू वही है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इट इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर विच विल बी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसी तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है, डेंसिटी ऑफ वाटर तो हम सभी को याद है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रखिए, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, जो जो बातें मैं बताता जा रहा हूँ आपके बड़े ही काम की है, आप कॉपी लेकर के बैठिए, आपको लग रहा है लिखना चाहिए, आप जरूर लिखते चलिए। क्लियर है, 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक चूंकि वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, चूंकि वाटर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होने के कारण डेंसिटी या घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए। राइट, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। राइट है, चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। राइट है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल फिनोमिना, ठीक, जो भी फिजिकल फिनोमिना दे रखे हैं एंड द डिस्कवरीज आर करेक्टली मैच्ड, लेफ्ट साइड में साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, राइट साइड में उनसे संबंधित डिस्कवरीज दे रखी है, और हमें बताना है कि इनमें से किसकी डिस्कवरीज जो है वो करेक्ट जो है वो मैच कर रही है। राइट है, चलिए, पहला नाम दे रखा है जेम्स चैडविक, सभी को पता होगा जेम्स चैडविक क्या डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले कौन थे, जेम्स चैडविक। लेकिन जेम्स चैडविक के आगे क्या लिखा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बराबर है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज फर्स्ट टाइम गिवन बाय, याद रखिएगा, देने वाले कौन थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज फर्स्ट टाइम गिवन बाय, इसकी डिस्कवरी करने वाले थे हॉलवॉश, कौन थे, हॉलवॉश, बराबर है। मतलब जेम्स चैडविक के सामने यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो ये करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। ठीक, मैंने दोनों बता दिए हैं आपको, जेम्स चैडविक ने सबसे पहले क्या डिस्कवर करा था, न्यूट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर करने वाले कौन थे, हॉलवॉश। क्लियर है, चलिए, एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन मतलब क्या, एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या क्या दिया था, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन देने वाले कौन थे, एल्बर्ट आइंस्टीन, सारी चीजें क्लियर करता जा रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन देने वाले कौन थे, एल्बर्ट आइंस्टीन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने वाले कौन थे, एल्बर्ट आइंस्टीन, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन के सामने क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन मैंने अभी आपको क्लियर करा, द न्यूट्रॉन वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, तो ये भी करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। चलिए मेरी क्यूरी पर आते हैं, मेरी क्यूरी के नाम के सामने क्या लिखा हुआ है, रेडियम, बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है, मैडम क्यूरी का पूरा की पूरा परिवार जो है, मैडम क्यूरी, उनके हस्बैंड, उनकी बेटी, उनका पूरा की पूरा परिवार जो है वो कम से कम 4 से 5 अलग अलग रेडियोएक्टिव एलिमेंट को की डिस्कवरी जो है उन लोगों ने सबने बारी बारी से वन बाय वन जो है वो डिस्कवर किया था। राइट है, तो बच्चों पहला वाला बिल्कुल करेक्ट मैच नहीं कर रहा है, सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट मैच नहीं कर रहा है, मेरी क्यूरी बिल्कुल करेक्ट है, मेरी क्यूरी जो है उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, रेडियम की डिस्कवरी करने वाली कौन थी, मेरी क्यूरी। तो थर्ड वाला जो है बच्चों वो पूरी तरह से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ठीक है, चले करेक्ट ऑप्शन में देखिए कौन कौन से करेक्ट आंसर चेक करना है, 1, 2 एंड 3 बिल्कुल गलत है, 1 एंड 2 बिल्कुल गलत है, 2 एंड 3 बिल्कुल गलत है, 3 ओनली। राइट, तो मेरी क्यूरी ने क्या डिस्कवर करा था, रेडियम, तो हम किस ऑप्शन के साथ में जाएंगे, थर्ड के साथ में जाएंगे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। राइट है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो नेम है देने वाले कौन थे, हॉलवॉश साहब थे, एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित जो भी एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है, जो भी हम प्रॉपर स्टडी करते हैं, भी सेचुरेटेड पोटेंशियल है और दूसरी चीजों से रिलेटेड, वो देने वाले थे लेनार्ड। कौन थे बच्चों? लेनार्ड। देखो एक ही नाम से संबंधित कितने साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं। द नेम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज फर्स्ट टाइम गिवन बाय हॉलवॉश, एक्सपेरिमेंटल डिमोन्स्ट्रेशन वॉज गिवन बाय लेनार्ड एंड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वॉज गिवन बाय, कौन थे बच्चों देने वाले? एल्बर्ट आइंस्टीन। कौन थे? एल्बर्ट आइंस्टीन, राइट है। तो थोड़ा सा ये चीजें ध्यान रखिए, क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी को पता है इसका आंसर भी, राइट है। क्या लिखा हुआ है? LED, अंडरलाइन करिए सबसे पहले। क्या लिखा हुआ है? LED, अंडरलाइन करिए सबसे पहले, LED, ठीक। अब सेमीकंडक्टर डिवाइस, सभी को पता है कौन सा डिवाइस है बच्चों? सेमीकंडक्टर डिवाइस, अर्धचालक युक्ति है ये। इज एन एब्रेविएशन दैट स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि LED का फुल फॉर्म पूछ रहा है क्वेश्चन, और LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है बच्चों? लाइट इमिटिंग डायोड। ढूंढिए। लाइसेंस फॉर एनर्जी डिटेक्टर, बिल्कुल गलत है। लाइट एनर्जी डिवाइस, बिल्कुल गलत है। लाइट इमिटिंग डायोड, बिल्कुल बराबर। ऑप्शन नंबर सी जो है, दैट इज वेरी वेरी करेक्ट आंसर। LED, इट मीन्स लाइट इमिटिंग डायोड, राइट है। देखिए और भी बहुत सारी चीजों के हो सकता है, आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। जैसे एक सोनार होता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया होगा सोनार। तो बच्चों सोनार का जो फुल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या बोलते हैं इसको अपन? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मतलब ये वो वर्ड है जो आपको कहीं ना कहीं NDA में जो है 10 ईयर्स के पेपर जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 3 से 4 बार जो है सोनार से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, राइट है। तो प्यारे बच्चों LED का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 54 के बाद आते हैं 55 पर। देखिए बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। आओ समझते हैं क्या है, ठीक। देखिए क्या बोल रहा है, दी स्टेटमेंट फ्रिक्शन फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स वाइल मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये एक स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने, एक स्टेटमेंट दे रखा है हमको कि घर्षण बल जो है वो एक कैसा है? सहस्पर्शी बल है, जबकि चुंबकीय बल जो है वो असहस्पर्शी बल है। एक स्टेटमेंट दे रखा है हमको, ध्यान रखिए बच्चों। फोर्स बेसिकली जो है सामान्यतः दो प्रकार का होता है, पहला होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में लगभग 5 प्रकार होते हैं फोर्स के, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बच्चों लगभग कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। आई क्या बात समझ में? देखिए और भी हो सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, और भी टाइप्स हो सकते हैं, बट जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन NLM पर जब हम जाते हैं और वहां पर बेसिकली यदि हम फोर्स को डिवीजन में डिवाइड करते हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स में आपको 5 फोर्स जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक। जिसमें सबसे पहला फोर्स होता है पुश और पुल, काउंट कर सकते हैं हम, ठीक। धक्का या खिंचाव हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा जो है वो आपका वेट हो जाएगा बच्चों, राइट है, ठीक। तीसरा जो है बच्चों क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन या प्रतिक्रिया बल बोल सकते हैं इसको हम। फोर्थ जो है बच्चों क्या हो जाएगा? पुश और पुल हो गया, वेट हो गया, रिएक्शन हो गया। फोर्थ टेंशन फोर्स, तनाव बल हो सकता है बच्चों। और पांचवा जो फोर्स है, पांचवा फोर्स कौन सा होता है? फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी यहां पर बात की जा रही है। तो संपर्क बल में यदि हम बात करें, सहस्पर्शी बलों में यदि हम बात करें, तो 5 प्रकार के जो है बल हमको देखने को मिलते हैं। धक्का या खिंचाव हो जाएगा, दूसरा भार हो जाएगा, तीसरा प्रतिक्रिया बल हो जाएगा, चौथा आपका जो है वो टेंशन तनाव बल हो जाएगा, और पांचवा जो है फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, घर्षण बल हो जाएगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पर यदि हम जाएंगे, ठीक, अस्पर्शी बल पर जाएंगे, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में भी बेसिकली 5 प्रकार जो है वो यहाँ पर बना रखे हैं, जिसमें पहला जो फोर्स होता है, देखिए आप सीक्वेंस पर मत जाइए, इसमें सीक्वेंस की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। सीक्वेंस जो है वो बेसिकली हमें, जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं वहाँ हमें याद होना चाहिए, हम विजिबल लाइट रे का स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं वहाँ हमें जो है सीक्वेंस ध्यान रखना होगा। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हम 5 फोर्सेस को रख सकते हैं बेसिकली। मैग्नेटिक फोर्स होता है बच्चों चुंबकीय बल, दूसरा ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, और पांचवा जो है बच्चों वो हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स से बिल्कुल बराबर है, घर्षण बल जो है वो कैसा है? सहस्पर्शी बल है। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय फोर्स जो है वो कैसा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, राइट है, अस्पर्शी बल है, ठीक है, इज, ठीक। ये पूछ रहा है ऑलवेज ट्रू, हमेशा सत्य होगा, ठीक है। ट्रू ओनली एट 0°C, आपको बता दूं किसी भी बल पर कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है आपके जो स्पर्शी और सहस्पर्शी बल जो है उन पर ताप से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, 0°C पर कोई स्टेटमेंट
जो है ये सत्य होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। फ्रिक्शन फोर्स कैसा है कॉन्टैक्ट, मैग्नेटिक फोर्स कैसा है नॉन कॉन्टैक्ट, राइट है, सी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है आइदर ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। मैंने अभी आपको बोला कि ये जो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है इनका ताप से सीधा सीधा कोई भी संबंध जो है वो देखने को नहीं मिलेगा आपको, राइट है। तो बच्चों फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिल्कुल ऑलवेज ट्रू है। मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये भी पूर्णतः ऑलवेज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। 55 का हम सही आंसर क्या है, ए रहेगा। क्लियर है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप, हो सकता हो जब आप इसको टेली करेंगे तो आपको कहीं पर इसके अलग अलग आंसर देखने को मिलेंगे, क्लियर। बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑलवेज ट्रू, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ए ऑप्शन के साथ में जाएंगे, राइट है। 55 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 के बाद बच्चों हम आते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 55 के बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राइट है। सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, इनमें से कौन सा न्यूनतम पॉसिबल टेम्परेचर या ताप हो सकता है। बच्चों एब्सोल्यूट जीरो के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन, किसके बारे में बात कर रहा है, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो जिसकी वैल्यू जीरो केल्विन होती है, एब्सोल्यूट जीरो जिसकी वैल्यू जीरो केल्विन होती है ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कहलाता है। अभी तक -270, देखिए वैल्यू पर जाइए, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर ध्यान से सुनिए, जरूर नोट करिएगा, क्या बोला मैंने, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन, या तो जीरो केल्विन या फिर क्या बोलेंगे -273 डिग्री सेल्सियस। ये बच्चों मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, इसके नीचे अभी तक कोई भी टेम्परेचर देखा नहीं गया है, ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है, इससे और कम कुछ भी नहीं होगा। तो अगर इसकी वैल्यू केल्विन में दी हुई होती तो हम आंसर क्या लगाते हैं, जीरो केल्विन लगाते हैं। भाई दोनों ऑप्शन याद है, दोनों ऑप्शन याद रखना है आपको, भाई मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर यदि केल्विन में दिया होता तो हम क्या लगाते, जीरो केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो आप सभी को पता ही है कि केल्विन की वैल्यू को यदि डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो आपको फॉर्मूला भी पता होगा और ये भी पता है कि डिग्री सेल्सियस केल्विन में जाएगा तो 273 ऐड करते हैं वैल्यूज में, और अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस करेंगे, राइट है। तो चूंकि चार ऑप्शन कायम में रखे बच्चों, जीरो सेल्सियस, -73 डिग्री सेल्सियस, -173 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, तो या तो इसका ऑप्शन जीरो केल्विन होना चाहिए था या फिर इसका ऑप्शन क्या होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए बच्चों, इट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, ये किसकी डेफिनेशन है, एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं परम शून्य, क्या बोलते हैं बच्चों, परम शून्य, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हो जाएगा, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, वैल्यूज ध्यान रखिएगा, ठीक। 63 के बाद हीट से बच्चों एक और क्वेश्चन है, ठीक, अभी एक हमने इससे पहले सॉल्व करा, एक क्वेश्चन और आपके सामने है। ये क्वेश्चन मैंने सभी को क्लास में करवाया है, आप सभी को इसकी वैल्यू याद भी होना चाहिए और आपको इसकी वैल्यू निकालते भी आना चाहिए, राइट है। चलिए सुनते हैं ध्यान से, सुनते हैं ध्यान से। न्यूमेरिकली 2 थर्मामीटर्स, 1 in Fahrenheit, एक किस में बोल रहा है बच्चों, फेरनहाइट में, एंड अनादर इन सेल्सियस स्केल शेल रीड सेम, शेल रीड सेम, एक फेरनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियस तापक्रम के 2 तापमापियों में संख्यातः किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक होगा। फेरनहाइट और डिग्री सेल्सियस में कितने डिग्री पर टेम्परेचर की वैल्यू सेम होती है, दोनों जो है वो कितने डिग्री पर सेम वैल्यू को शो करेंगे, राइट है। चलिए देखो, कुछ बच्चे इसका आंसर याद भी रख लेते हैं, डिग्री सेल्सियस और फेरनहाइट में मैंने बोला, कुछ बच्चे जो हैं वो इसका आंसर डायरेक्ट क्या कर लेते हैं बच्चों, याद भी रख लेते हैं। अदरवाइज आपको टेम्परेचर से संबंधित, कन्वर्जन से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ध्यान रखिए। देखो बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करने के बच्चों कितने स्केल होते हैं, 5 स्केल होते हैं, कितने स्केल होते हैं, 5। इधर देखिए, पहला स्केल जो है वो होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है फेरनहाइट, तीसरा होता है बच्चों केल्विन, चौथा होता है बच्चों रेनकाइन, कौन सा होता है बच्चों, रेनकाइन। हो सकता है ये कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा, मैंने पूरी स्पेलिंग लिखी है, शॉर्ट फॉर्म में आर ए लिखते हैं, ठीक, ब्रैकेट में हमने लिखा है रेनकाइन, राइट है। द फुल फॉर्म ऑफ आर ए इज रेनकाइन, एक और स्केल होता है रेनकाइन, और पांचवा जो स्केल है बच्चों वो होता है र्यूमर, कौन सा होता है बच्चों, र्यूमर, और र्यूमर के लिए हम बेसिकली सिर्फ क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। सो दीज आर द 5 स्केल्स जिसमें हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ऊपर के 3 आपने सुन रखे होंगे,
डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन, नीचे के दो ध्यान रखिए आप। और इनमें से किसी भी एक में यदि टेम्परेचर दे रखा है और दूसरे में यदि आपको क्या करना है, फाइंड करना है, तो फार्मूला ध्यान रखिए सी बाय फाइव इक्वल्स टू एफ माइनस 32/9 हो जाएगा, इजिकल्स टू के माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5 होगा, इजिकल्स टू आर ए माइनस 456 डिवाइडेड बाय 10 राइट है, इजिकल्स टू आर डिवाइडेड बाय कितना है 4। बच्चों ये फार्मूला होता है जिसमें आप किसी भी टेम्परेचर की एक स्केल को दूसरी स्केल में आसानी से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, सी बाय फाइव इक्वल्स टू एफ माइनस 32/9 इजिकल्स टू के माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5, आर ए माइनस 456 डिवाइडेड बाय 10, आर बाय 4 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में टेम्परेचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इन दोनों स्केल को उठा लीजिए। ठीक, चलिए मान लेते हैं सी और एफ दोनों पर कितना टेम्परेचर है, एक्स डिग्री। चलिए वैल्यू इक्वेट करते हैं, जहाँ बच्चों सी बाय फाइव है वहाँ क्या लिखें, एक्स बाय फाइव लिखें, जहाँ एफ माइनस 32/9 है इंस्टेड ऑफ एफ वहाँ भी क्या लिखना है, एक्स लिखना है, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 32 डिवाइडेड बाय कितना है 9। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो बच्चों माइनस 40 डिग्री आएगा आंसर, कितना आएगा माइनस 40 डिग्री। तो माइनस 40 डिग्री जो है वो एक ऐसी वैल्यू है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के टेम्परेचर की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, राइट है, ध्यान रखिए। क्लियर है बच्चों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 40 डिग्री। कोई समस्या तो नहीं है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स काउंट करते चलिएगा, हमें यही देखना है, हम पेपर का पैटर्न समझ रहे हैं, हम साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो रही है, और हमें यह भी ध्यान रखना है कि किस चैप्टर से कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए ऑप्टिक्स में क्वेश्चन देखें क्या है, ये बोल रहा है द इमेज वी सी इन प्लेन मिरर समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यार बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, सभी को पता है आपको, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज इमेज। हमेशा समतल दर्पण जो है, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है बच्चों, यदि उत्तल दर्पण होता कॉनवेक्स मिरर होता देन कॉनवेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट, किसी भी कंडीशन में रियल इमेज नहीं बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज, कैसी इमेज बनाएगा, स्मॉल साइज। ठीक है, और बच्चों यदि कॉनकेव मिरर बोला जाएगा तो कॉनकेव मिरर में ध्यान रखिए डिफरेंट कंडीशन में बनने वाली इमेजेस जो हैं वो अलग अलग होती है। कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण वर्चुअल इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड दोनों प्रकार की इमेजेस बनाता है। 5 कंडीशन में रियल इन्वर्टेड बोले तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन आखिरी केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन एफ एंड पी देन वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज साइज इमेज विल बी फॉर्म। तो बच्चों ये जो है कॉनकेव मिरर दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन हमसे पूछा क्या है, समतल दर्पण। चलिए, रियल एंड दस कैन बी फोटोग्राफ्ड, बिल्कुल गलत, रियल इमेज नहीं बनाता है। वर्चुअल एंड नियरर देन द ऑब्जेक्ट, क्या मतलब है इस लाइन का, नियरर देन द ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, दर्पण से अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्स है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो है वो भी कितनी होगी, एक्स ही होगी, दूरी में कोई भी अंतर नहीं होगा, न पास में और न दूर, राइट है। वर्चुअल एंड इज लेटरली इन्वर्टेड, बिल्कुल करेक्ट, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है बच्चों, लेटरली इन्वर्टेड, समझते हैं ना, लेटरली इन्वर्टेड, भाई अगर ये मेरा राइट हैंड है मिरर में देखने पर नो डाउट हैंड ही दिखेगा, लेकिन वो आपको कैसा प्रतीत होगा, लेफ्ट प्रतीत होगा, इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, राइट। तो वर्चुअल एंड इज लेटरली इन्वर्टेड, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो 65 का आंसर क्या लगाएंगे हम, सी लगाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक, ध्यान रखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर मे बी ऑप्टेन बाय कंबाइनिंग ग्रीन एंड रेड। ग्रीन और रेड, हरे को और लाल कलर को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा,
देखिए मैं एक मुझे मुझे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि कलर से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। एक प्रॉपर वीडियो जो है बच्चों हम सिर्फ कलर पर बनाने वाले हैं, कौन सा प्राइमरी कलर कौन सा सेकेंडरी कलर है, वहाँ पर मैं आपको डिटेल में क्लियर करूँगा किसको मिक्स करेंगे, क्या बनेगा, क्या प्राइमरी कलर हो सकते हैं, क्या सेकेंडरी कलर हो सकते हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि ग्रीन और रेड को यदि मिक्स करेंगे तो ग्रीन और रेड को मिक्स करने पर क्या बनेगा, ग्रीन प्लस रेड। बच्चों ग्रीन प्लस रेड मिक्स करेंगे क्या बनेगा, येलो कलर बनेगा। कौन सा कलर बनेगा बच्चों, येलो कलर बनेगा। क्लियर, ग्रीन प्लस रेड को मिक्स करेंगे कौन सा कलर बनेगा, पीला कलर बनेगा। राइट, तो क्या लगाएंगे करेक्ट आंसर, येलो कलर। पिंक, रेड प्लस व्हाइट को मिक्स करेंगे क्या बनेगा, पिंक बनेगा। रेड प्लस व्हाइट को मिक्स करेंगे क्या बनेगा, पिंक कलर बनेगा। बराबर है, ठीक है। और भी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं कलर के ऊपर एक टॉपिक एक वीडियो बनाएंगे, वहां से हम इसको क्लियर समझेंगे किस प्रकार के कलर बनते हैं। ठीक है, तो ग्रीन प्लस रेड को मिक्स करा क्या बन गया बच्चों, येलो कलर। डी आंसर के साथ जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आया एक क्वेश्चन कलर से संबंधित, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। ठीक, लाइट के, लाइट के क्या चाहिए, प्राइमरी कलर ऑफ लाइट चाहिए। राइट है, प्राइमरी कलर कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान रखिए, ब्लू, ग्रीन और रेड। अगेन आई रिपीट द सेम लाइन, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, दे आर द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। क्लियर है, ब्लू, रेड एंड ग्रीन, ये लाइट के प्राइमरी कलर होंगे। क्लियर है, 67 में बी वाले ऑप्शन के साथ में जाएंगे, दो करेक्ट आंसर विल बी बी। राइट, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 67 के बाद हम आते हैं 68 पर। राइट, अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। बड़ी सिंपल इक्वेशन है, आपने 10th में भी देख रखी है बच्चों ये समीकरण, 1/f = 1/v + 1/u। अरे मिरर इक्वेशन है भाई ये, कौन सी इक्वेशन है, मिरर इक्वेशन। प्लस के बजाय यदि क्या आ जाता, माइनस आ जाता, 1/f = 1/v - 1/u होता तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाती, लेंस इक्वेशन। देखिए सारा खेल जो है जब एक जैसी चीजें आ जाती है तो खेल जो है वो प्लस और माइनस में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है और हम वैल्यूज को क्या करते हैं, लैंग्वेजेस को क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। राइट है, तो अब ठीक है, क्वेश्चन चूंकि हम रीड कर चुके हैं और हम सीधे यहां पर क्या करते हैं, जरा फोकस करते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। ठीक, चूंकि ये क्लियर है सभी बच्चों को, बेटा कौन सा सूत्र है बच्चों, ये दर्पण सूत्र है। कौन सा सूत्र है, दर्पण सूत्र है। ठीक, कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, मिरर फॉर्मूला है। राइट है, इट अप्लाइज ओनली टू द स्फेरिकल मिरर, बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगा सकते हैं, स्फेरिकल मिरर के लिए लगा सकते हैं। इट अप्लाइज ओनली टू द स्फेरिकल लेंसेस, बिल्कुल गलत, लेंस के लिए नहीं लगेगा। यदि हम लेंसेस पर आएंगे तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। इट अप्लाइज टू स्फेरिकल मिरर एज वेल एज स्फेरिकल लेंसेस, अभी मैंने आपको बताया लेंसेस में इस इक्वेशन का कोई भी काम नहीं है क्योंकि साइन के हिसाब से देखेंगे तो प्लस की जगह पे क्या आएगा, माइनस आएगा। इट इज एन इनवैलिड फार्मूला, इनवैलिड नहीं, फार्मूला तो वैलिड ही है, और किसके लिए उपयोग में करेंगे हम, किसके लिए यूज करेंगे, दिस फार्मूला विल बी ओनली यूज फॉर स्फेरिकल मिरर, सो करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 68 के बाद आते हैं 75 पर। राइट है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, हमेशा मैंने आपको समझाया है कि जब भी नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट बोला जाए, क्वेश्चन को रीड करते से ही पेन उठा करके एग्जाम में वहां राउंड कर देना है, उसको फोकस कर देना है, उसको अंडरलाइन कर देना है, क्योंकि हम जल्दी में होते हैं, टाइम कम होता है, घबराहट होती है, हो सकता हो नॉट बोला हो क्वेश्चन ने बट वो नॉट हमें ध्यान में नहीं रहा और हमें ऑप्शन कुछ और लगाना चाहिए था और हम कुछ और ऑप्शन लगा देंगे। तो वो पूछ रहा है लाइट के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। राइट, पहला ऑप्शन, लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम, बिल्कुल करेक्ट है, पहली वाली लाइन बिल्कुल सही है। प्रकाश जो है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग वेग से ही तो क्या करता है, ट्रेवल करता है, तो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें तो क्या चुनना है, नॉट करेक्ट। लाइट ट्रेवल एट ऑलमोस्ट 300 मिलियन, ध्यान रखिएगा 300 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 6 जीरो आपको मिलियन से मिलेंगे और 300 में 2 जीरो ऑलरेडी आगे लगे हुए हैं, मतलब 300 मिलियन का मतलब भी क्या है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड इन एयर, वायु में प्रकाश का वेग मीटर पर सेकेंड इन एयर, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है।
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, ये होता है बी वाला भी करेक्ट है। लाइट स्पीड डाउन एज इट लीव्स अ वाटर सरफेस एंड इंटर द एयर, अगर वाटर से होती हुई लाइट रे एयर में इंटर करेगी तो सी वाला ऑप्शन बोल रहा है कि लाइट की स्पीड डाउन मतलब कम हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी बाय मिस्टेक ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एयर से यदि वाटर में जाती तो स्पीड क्या होती, डिक्रीज हो जाती, लेकिन अगर वाटर से एयर में जा रही है तो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो है वो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा गलत। और हमें क्या चूज करना था बच्चों, हमें ऑप्शन ही क्या चाहिए था, नॉट करेक्ट चाहिए था, तो सी वाला ऑप्शन जो है क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। डी वाला भी पढ़ी लेते हैं, लाइट स्पीड्स अप एज इट लीव्स अ ग्लास सरफेस, लाइट स्पीड अप एज इट लीव्स अ ग्लास सरफेस एंड इंटर द एयर, बिल्कुल करेक्ट है। ग्लास से अगर लाइट रे होती हुई एयर में जाएगी तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास वायु में प्रकाश का वेग क्या होगा, बढ़ेगा, पर हमें तो क्या चाहिए था, नॉट करेक्ट, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन के हिसाब से सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 75 के बाद आगे बढ़ते हैं, 75 के बाद बढ़ते हैं आगे, राइट। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स से तीसरा सवाल, ठीक, क्या बोल रहा है, ग्लास प्रिज्म स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, भाई प्रिज्म जो है प्रिज्म पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो 7 कॉन्स्टेंट कलर में डिवाइड करता है। अच्छा, इस घटना को क्या बोलते हैं बच्चों, ये हिंदी में वर्ण विक्षेपण कहलाती है और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। अ ग्लास प्रिज्म स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, इस घटना को हम बोलते हैं विक्षेपण, बिल्कुल बराबर है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, भाई विक्षेपण से संबंधित इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। रेड लाइट विल डेविएट द मोस्ट, बोल रहे हैं लाल रंग की प्रकाश किरण जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, डेविएट होगी, विचलित होगी, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। आपको बता दूं मैं सबसे पहले, ध्यान रखिए, डेविएशन जो है, विचलन कोण जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट के, डेविएशन जो है वो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिस किसी भी प्रकाश किरण के लिए तरंग दैर्ध्य का मान जितना ज्यादा होगा उसका विचलन जो है वो उतना कम होगा, और वेवलेंथ जिसकी जितनी कम होगी उसके लिए डेविएशन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो आप व्हाइट लाइट का जब आप स्पेक्ट्रम देखते हैं तो बच्चों हमें कौन से कलर, विबग्योर देखने को मिलता है, विबग्योर, इसमें रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है सबसे अधिक, और वायलेट कलर की वेवलेंथ जो है वो क्या होती है सबसे कम, आपको ऊपर रिलेशन दिख रहा है, डेविएशन एंगल कितने एंगल से डेविएट होगी, डेविएशन एंगल डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पर, तो चूंकि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है सबसे ज्यादा, तो इसका डेविएशन क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, तो यहां तो दोनों ही बातें रॉन्ग है, रेड लाइट विल डेविएट द मोस्ट, बिल्कुल गलत, सबसे ज्यादा डेविएट किसे होना चाहिए, जिसका तरंग धैर्य जिसकी वेवलेंथ क्या हो सबसे कम हो, और सबसे कम तरंग धैर्य या वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट की होती है, किसकी होती है, वायलेट। दूसरी बात, प्रिज्म के अंदर रिफ्लेक्शन या परावर्तन से संबंधित कोई भी घटना नहीं होती है, परावर्तन अलग है, गया वापस आया, गया वापस आया, किसी एंगल से गया किसी एंगल से वापस आया, ये रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन प्रिज्म में नहीं होता, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन दोनों फिनोमेना जो है वो हो सकते हैं। डिस्पर्जन चूंकि वो व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर रहा है और चूंकि वो अपने पाथ को क्या करती है, प्रकाश किरण चेंज करती है, तो रिफ्रैक्शन भी देखने को मिलेगा। वायलेट लाइट विल डेविएट द मोस्ट, बिल्कुल करेक्ट है, यहां तक लाइन बिल्कुल बराबर है, सबसे ज्यादा डेविएट कौन हो रहा है, वायलेट लाइट, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों लाइनें बराबर है, वायलेट कलर जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, विचलित होगा, उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, राइट है, और चूंकि फिनोमेना हमें ऊपर क्लियर कर ही दिया है कि यहां बात किसकी हो रही है, डिस्पर्जन की, और मैंने अभी आपको बताया कि परावर्तन से संबंधित रिफ्लेक्शन से संबंधित प्रिज्म में कोई घटना नहीं होती, जब तक आप किसी सतह को पॉलिश नहीं करेंगे तब तक वहां पर प्रिज्म में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वायलेट लाइट विल डेविएट द मोस्ट एंड इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर है। चलिए, रेड लाइट विल डेविएट द मोस्ट, बिल्कुल गलत है, ठीक, आगे नहीं पढ़ते हैं क्योंकि स्टार्टिंग वाली लाइन ही क्या है, रॉन्ग है, ठीक, सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। वायलेट लाइट विल डेविएट द मोस्ट एंड इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अभी मैंने क्लियर करा बच्चों आपको, आपको सीधे सीधे रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ध्यान रखिए, द डेविएशन एंगल इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका डेविएशन कम, जिसका वेवलेंथ कम उसका डेविएशन ज्यादा,
बराबर है, ध्यान रखिएगा। वॉयलेट का वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो विचलन कोण जो है वो क्या होगा इसका सबसे ज्यादा होगा। सबसे नीचे वाला कलर कौन सा होगा? वॉयलेट। सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा होगा? रेड होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 76 के बाद हम आते हैं, देखिए फिर वही क्वेश्चन है जो पिछले दो बार के पेपर से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बच्चों। वही करंट दे रखा है, वही चार्ज दे रखा है, वही टाइम दे रखा है। ठीक, फिर वही करना है आपको। विद्युत धारा का सूत्र याद रख लीजिए आप, एक क्वेश्चन फिक्स है इलेक्ट्रिसिटी का पहला क्वेश्चन। अ करंट ऑफ वन एम्पियर, हमेशा बोला है डाटा जरूर लिखेंगे, डाटा लिखने से क्लियर होगा कि क्या दे रखा है और क्या हमें फाइंड करना है, राइट है। अ करंट ऑफ वन एम्पियर, आई बराबर से एक एम्पियर, ठीक है, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, टी 10 मिनट्स, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 60, एग्जैक्टली कितना हो गया 600। बेटा बिल्कुल वैसा की वैसा क्वेश्चन है जो यहाँ पर आने के बाद इसके आगे वाले 2022 वाले ईयर्स के पेपर में रिपीट हुआ है। याद रखिए मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बिल्कुल सेम वैल्यूज का क्वेश्चन क्या किया है, सॉल्व किया है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या फाइंड करना है बच्चों? विद्युत आवेश का मान निकालना है। आई दे रखा है, टी दे रखा है, चलिए। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। लगाया सूत्र I बराबर से Q by T, में चूंकि आवेश निकालना है तो Q बराबर से I into T, वैल्यू इक्वेट करिए, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। धारा 1 एम्पियर, टाइम कितना है बच्चों? 600, 600 into 1 कितना हो जाएगा? 600 क्या होता है? यूनिट कूलम। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर, चेक करिए। ठीक, ये आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, 600 कूलम हो जाएगा, राइट, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगेन सेम क्वेश्चन बच्चों, तीसरी बार रिपीट हो रहा है, लगातार रिपीट हो रहा है, याद रखिए। देखिए पावर तो फिक्स हो गया है, जो पावर के तीन फॉर्मूले बच्चों मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ उसको तो आप अच्छी तरह से रट लीजिए। तीनों फॉर्मूले में से कोई सा एक फॉर्मूला जो है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा, या तो वैल्यूज आ जाएगी या फिर क्या आ जाएगी, न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, राइट है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज डज नॉट, अगेन नॉट पूछा है, नॉट, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विद्युत शक्ति को नहीं नहीं दर्शाता? ठीक, चले, पहला सूत्र होता है V इंटू I शक्ति का, दूसरा सूत्र होता है बच्चों I स्क्वायर इंटू R, राइट, और तीसरा फॉर्मूला होता है V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, चेक करिए, बोलिए कोई डाउट हो तो, राइट है। आओ देखते हैं, I स्क्वायर R बिल्कुल करेक्ट है, I इंटू R स्क्वायर गलत, और हमें क्या चाहिए? गलत ही तो चाहिए, बी ऑप्शन राइट है। V into I लिखा हुआ है, V square by R लिखा हुआ है, तो बच्चों गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? I into R का square। तीनों फॉर्मूले याद कर लीजिए, जरूर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी B, I into R square, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पर आ जाते हैं, ठीक। चलिए सुनिए, द साउंड क्रिएट इन अ बिग हॉल परसिस्ट बिकॉज ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन। देखो बच्चों क्या होता है, आपने देखे होंगे ऑडिटोरियम वगैरह जो होते हैं, सिनेमा हॉल में हम जाते हैं, कई बार क्या होता है ऑडिटोरियम में या किसी भी खाली कमरे में जब हम बहुत जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यदि हम बोलते हैं तो हमारा साउंड जो है वो गूंजता है। क्या होता है? साउंड गूंजता है, बराबर है भाई। हमने बोला, साउंड आगे गया, किसी वॉल से किसी ऑब्स्टेकल से टकराया, और टकरा करके वापस क्या हुआ? रिपीट हुआ। तो अलग अलग वॉल से जब रिपीट होता है तो साउंड क्या होता है? गूंजता है, हमें क्लियर सुनाई नहीं देता है। इसको हिंदी में बोलते हैं गूंजना, और इंग्लिश में ये कहलाता है रिवर्ब्रेशन। क्या कहलाता है ये? रिवर्ब्रेशन। आपने 9th में पढ़ा होगा ये, क्या कहलाता है? रिवर्ब्रेशन, बराबर है। तो साउंड के गूंजने की जो प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है? रिवर्ब्रेशन का प्रोडक्शन करती है, रिवर्ब्रेशन गूंजता है साउंड उसमें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही क्या है? रिवर्ब्रेशन, ठीक। इसको अनुरणन भी बोलते हैं, ठीक, क्लियर है। अच्छा, डिस्पर्जन बिल्कुल नहीं होगा इसमें, रिफ्रैक्शन के कारण रिवर्ब्रेट नहीं होता, साउंड गूंजता नहीं, ये भी नहीं होगा, डिफ्रैक्शन ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों ये तो रिवर्ब्रेशन की परिभाषा ही है, साउंड आगे जाएगा, किसी हॉल से टकराएगा। देखिए इसलिए हम क्या करते हैं, जब आप सिनेमा हॉल में जाएंगे या जब आप किसी स्टूडियो में आप इंटर करेंगे तो आप देखते हैं कि वहां पर साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए हम कोई ना कोई सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। जैसे कि देखो, आप कॉटन लगा सकते हैं साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए, ब्लैंकेट का यूज कर सकते हैं, किसी क्लोथ का यूज कर सकते हैं, आप पेपर का यूज कर सकते हैं। ये सारे वो सब्सटेंसेस हैं जो साउंड को क्या करते हैं? रिवर्ब्रेट होने से बचाते हैं। तो देखिए, हम सभी मूवी देखने तो जाते ही हैं, जब आप सिनेमा हॉल में एंटर करें तो आप जरूर देखिएगा, सिनेमा हॉल की वॉल जो होती है वहां पर ब्लैंकेट टाइप का एक कपड़ा जो है वो पूरी वॉल पर चिपका हुआ होता है,
क्यों होता है भाई? बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा भाई, अधिक से अधिक मात्रा में साउंड होता है सिनेमा हॉल में, तो वो ब्लैंकेट क्या करते हैं, रिवर्ब्रेशन, गूंज जो होगी उनको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमको साउंड जो है वो क्लियर सुनाई देगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, रिवर्ब्रेशन है। क्या लगाएंगे हम इसका आंसर, रिवर्ब्रेशन। ठीक, 79 का आंसर हो जाएगा रिवर्ब्रेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक आगे बढ़ते हैं। ठीक, ध्यान रखिए क्या बोल रहा है, व्हेन लाइट इज स्कैटर्ड बाय अ मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज चेंज। इस लाइन को पकड़िए, प्रकीर्णित प्रकाश किरण की आवृत्ति का बदल जाना, किसी मॉलिक्यूल पर यदि लाइट रे टकराती है और टकराने के बाद यदि प्रकीर्णित या स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बच्चों देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित तो दो अलग अलग क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं। याद रखिए, व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ पार्टिकल, भाई ऐसे किसी कण पर यदि प्रकाश किरण आपतित हो रही है जिसका आकार या तो आपतित प्रकाश किरण की तरंग धीरे के बराबर है लगभग, या फिर उसकी तरंग धीरे से यदि क्या है, कम है, तो प्रकाश किरण उस मॉलिक्यूल या उस एटम से टकराने के बाद जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शंस होती हैं उन सारी की सारी पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है, बिखर जाती है। और अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग जो है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग जो है प्रकीर्णन की जो मात्रा है बच्चों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपतित प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य की फोर्थ पावर के। लेकिन बच्चों ये बोलने वाले कौन है, रेले साहब है। ये बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, रेले था। यहां हमें वो क्या बोल रहा है कि जब किसी मॉलिक्यूल से लाइट रे टकरा रही है, स्कैटर्ड हो रही है, स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति क्या हो रही है, बदल रही है, परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है, ये रमन प्रभाव के बारे में बता रहा है, रमन इफेक्ट्स के बारे में बता रहा है आपको। ये सीवी रमन साहब का एक एक्सपेरिमेंट है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं छोटा मोटा। रमन प्रभाव में बताता है कि प्रकाश यदि किसी मॉलिक्यूल से टकराता है और टकराने के बाद जो लाइट रे स्कैटर्ड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये किसके बारे में बता रहा है, ये रमन इफेक्ट्स के बारे में बता रहा है। रेले साहब ने ये नहीं बोला, रेले साहब ने तो बोला है कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ के, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के। प्रकाश विद्युत प्रभाव का कुछ भी लेना देना नहीं है इससे, रदरफोर्ड स्कैटरिंग का कुछ भी लेना देना नहीं है। किसके बारे में बात कर रहा है बच्चों, रमन इफेक्ट्स के बारे में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इस क्वेश्चन पर मैं, ठीक, बिल्कुल जल्दी से क्लियर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, फिर वही बात, कैन नॉट आ गया, नॉट पूछ रहा है, कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का मात्रक नहीं है, आवृत्ति का मात्रक नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, फ्रीक्वेंसी का मात्रक ध्यान रखिए या तो आरपीएस होगा, रिवोल्यूशन पर सेकंड, या फिर हर्ट्ज होगा, या फिर पर सेकंड हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, पर आवर हो सकता है, दीज आर द यूनिट्स। ठीक, डीबी का मतलब क्या है बच्चों, डेसीबल, और डेसीबल क्या मापता है, लाउडनेस मापने के काम में आता है, राइट है, ये नहीं है, सेकंड इनवर्स बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा सुनिए, लेकिन ये अपने से पूछ क्या रहा है, नॉट पूछ रहा है, तो सेकेंड इनवर्स किसका मात्रक है, फ्रीक्वेंसी का, लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं, कौन सा आवृत्ति का मात्रक नहीं है, तो डेसीबेल जो है, डेसीबेल आवृत्ति का मात्रक नहीं है। डेसीबेल तो क्या करता है, लाउडनेस ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए हम डेसीबेल यूनिट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए तो क्या होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर आवर हो सकता है, हर्ट्स हो सकता है, पर सेकेंड हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, पर आवर हो सकता है, राइट है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सेकेंड इनवर्स हो सकता है, हर्ट्स हो सकता है, मिनट इनवर्स हो सकता है, बट डेसिबल नहीं होगा, और उसने क्या पूछा है, नॉट, तो ए ऑप्शन जो है बच्चों वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 के बाद आते हैं बीट्स, 90 के बाद आते हैं बीट, हिंदी में बोलते हैं विस्पंद, क्या बोलते हैं, विस्पंद, क्लियर है। बीट इज अ फिनोमिना दैट अकर व्हेन फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू हार्मोनिक वेव्स, चलिए बढ़िया चीज बताता हूँ आपको, ध्यान रखिए, दो एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट रे यदि मीडियम में किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज होती है, मिक्स होती है, याद रखिए क्या बोला हूँ, एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी, पहली लाइट वेव 20 हर्ट्ज, दूसरी लाइट भी यदि कैसी है 20 हर्ट्ज है, एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट रे मीडियम में किसी पॉइंट पर यदि सुपर इम्पोज हो, मिक्स हो, तो ये घटना कहलाती है क्या, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या कहलाता है बच्चों, ये इंटरफेरेंस, राइट, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यतिकरण,
क्या बोलते हैं, व्यतिकरण। एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी है तो क्या कहलाएगा, व्यतिकरण। लेकिन नियरली सेम फ्रीक्वेंसी है, नियरली सेम गुणावृत्ति की तरंगे हैं, नियरली सेम। सर ये समझ में नहीं आ रहा नियरली सेम का क्या मतलब है, मैं क्लियर कर देता हूं आपको। पहली यदि 20 हर्ट्ज है तो दूसरी 21 हर्ट्ज हो सकती है, पहली वेव यदि 20 हर्ट्ज की है तो दूसरी 25 हर्ट्ज की हो सकती है, मतलब 10 हर्ट्ज के यदि अंदर अंदर है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, यदि 10 हर्ट्ज के आसपास है यदि अंदर अंदर है, तो हम इसको बोलेंगे कि दो ऐसी तरंगे हैं ये जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम नहीं है, कैसी सेम है, नियरली सेम है। तो नियरली सेम फ्रीक्वेंसी की वेव यदि क्या करती है, सुपर इंपोज करती है बच्चों, तो ये घटना क्या कहलाती है, बीट कहलाती है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अपन, विस्पंद। एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी होगी व्यतिकरण कहलाएगा, नियरली सेम फ्रीक्वेंसी होगी विस्पंद कहलाएगा। ठीक, बीट मतलब क्या, इक्वल गलत, ठीक, फार अपार्ट बिल्कुल गलत, मल्टीप्लीकेशन वहां मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, नियरली सेम क्या होगी, नियरली सेम। ठीक, और अगर एग्जैक्टली सेम इक्वल होती क्या लगाते हैं, विवर्तन लगाते हैं, सॉरी व्यतिकरण लगाते हैं, इंटरफेरेंस लगाते हैं। ठीक, ध्यान रखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है ऑप्टिक्स से, अगला सवाल। लाइट वेव एयर इंसिडेंट ऑन एयर ग्लास, ठीक, लाइट रे जो है वो एयर से होती हुई कहाँ इंसिडेंट हो रही है, ग्लास पर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, सम ऑफ द लाइट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड, माला मैं आपको कि पूरी तरह से प्रकाश किरण का ना तो रिफ्लेक्शन होता है ना ही रिफ्लेक्शन होता है, अगर ग्लास की किसी सतह पर प्रकाश किरण टकरा रही है तो कुछ 2-5% लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और बाकी बची कुछ लाइट रे क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, भाई परावर्तन हो जाएगा 2-5% प्रकाश किरण का, और बची कुछ प्रकाश किरण का क्या होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, एंड सम आर रिफ्रैक्टेड इन द ग्लास, बराबर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज सेम, कौन सी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। ध्यान रखिए बच्चों, ये मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया है, हमेशा ध्यान रखिए, साउंड या लाइट, सीधी काम की बात बता रहा हूं, सीधी बात नो बकवास, साउंड या लाइट दोनों अगर मीडियम चेंज करता है तो एकमात्र क्वांटिटी है जो कभी भी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी कैन नेवर चेंज व्हेन लाइट और साउंड विल बी ट्रेवल फ्रॉम वन टू अनदर मीडियम। ढूंढिए फ्रीक्वेंसी ढूंढिए, स्पीड चेंज बिल्कुल हो जाएगी, रेरर में ज़्यादा लाइट की स्पीड, रेरर में ज़्यादा डेंसर में कम। ठीक, डायरेक्शन बिल्कुल चेंज करेगा, रिफ्लेक्शन में होती है डायरेक्शन चेंज, ब्राइटनेस बिल्कुल करेगा, इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो जाती है, एयर में इंटेंसिटी ज़्यादा, दूसरे मीडियम में इंटेंसिटी तीव्रता क्या कम, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। ध्यान रखिए, यह सिर्फ लाइट के लिए नहीं है, यह साउंड के लिए भी है, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग दोनों यदि अपना माध्यम बदलेगी तो इनकी आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, आगे बढ़ जाते हैं, क्लियर। चलिए 92 के बाद आते हैं 93, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ भी हम काम की बात करेंगे, सुनिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सत्य पूछ रहा है, और वो भी किससे संबंधित पूछ रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या सिंपल हार्मोनिक मोशन से संबंधित, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, हाँ बिल्कुल होता है, आपने पढ़ा होगा बच्चों ये, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग में पढ़ा होगा, स्ट्रेस्ड वायर में पढ़ा होगा, ये स्प्रिंग है, आपने नीचे की ओर फोर्स लगाया तो स्ट्रेच होगा, और आप जितना फोर्स लगाएंगे, जितना बल लगाएंगे, उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, कॉमन सेंस की बात है, कम फोर्स लगा रहा है, कम खींचा रहा, ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ज्यादा खींचा रहा, ओवर फोर्स लगाया और खींचा है, जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रेच होती जाएगी, विस्थापित होती जाएगी, तो लगाया गया बल जो है, फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, आप जितना अधिक बल लगाएंगे, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, एफ बराबर से के इन टू एक्स, लेकिन रुकिए यहां पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन, क्योंकि ये जो बल है ये कौन सा बल है बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानन बल है, और ये अब बना है फॉर्मूला विच इज एफ इक्वल्स टू माइनस के इन टू एक्स, दिए गए सूत्र में ये तो क्लियर हो जाता है कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके विपरीत है,
फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यहां तक करेक्ट है। फ्रॉम द मेन पोजिशन माध्य स्थिति से एंड इज इन सेम डायरेक्शन, ये लाइन गलत है। सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, दिशा कैसी होगी? विपरीत। हमसे क्या पूछ रहा है? ट्रू, सत्य कौन सा है? तो पहला वाला तो गलत है। फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल बराबर है, यह सूत्र सभी का पड़ा हुआ है, एफ बराबर से माइनस के इन टू एक्स, ध्यान रखिए। टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन एंड इज इन अपोजिट, विपरीत दिशा में है, बिल्कुल बराबर है। एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स समानुपाती होता है, माइनस साइन बताता है बल की दिशा विस्थापन की दिशा के विपरीत है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक्सेलरेशन ऑफ द ऑसिलेटर इज कॉन्स्टेंट, त्वरण नियत होता है? बिल्कुल नहीं होता है त्वरण नियत। माध्य स्थिति पर त्वरण क्या होगा? कम होगा। उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या होगा? अधिक होगा। तो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट तो नहीं होगा, सी ऑप्शन गलत है। वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर इज नॉट पीरियोडिक, डी ऑप्शन भी गलत है। आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया है फॉर्मूले से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? बी वाला ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है, बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है और लगाए गए बल की दिशा विस्थापन के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। सर कैसे याद रखें हम? अरे बच्चों ये रहा फॉर्मूला, एफ बराबर से माइनस के इनटू एक्स, हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी दे बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों विपरीत होंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 93 के बाद आते हैं बच्चों 98 पर, ठीक है। इफ अ रे ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एट जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस, भाई ये लाइन है, ऊपर एयर ले लो, नीचे कोई सा भी डेंसर मीडियम ले लो, एयर से डेंसर में आएगी, रेयर से डेंसर में आएगी, क्या होता है बच्चों? अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन में सिर्फ एक ही स्थिति में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा। जब प्रकाश किरण अपने माध्यम को बदलती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के बराबर सिर्फ एक ही स्थिति में होगा, और वो तब होगा जब आप लाइट रे को कैसे इंसिडेंट करवाएंगे बच्चों? नॉर्मली इंसिडेंट करवाएंगे। भाई ये लाइन डिवाइड कर रही थी दो अलग अलग माध्यम को, इस पॉइंट पर यही नॉर्मल और यही इंसिडेंट लाइट रे, यही अभिलंब, यही आपतन कोण, आई कितना हो गया बच्चों? जीरो। और यदि आई जीरो है तो लाइट रे स्ट्रेट चली जाएगी, आर भी कितना होगा? जीरो, ठीक। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण भी क्या होगा? शून्य होगा, जब लाइट रे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। जीरो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट वुड रिफ्लेक्ट बैक, नहीं रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, गो स्ट्रेट, हाँ दिख रहा है आपको चित्र में कैसी जा रही है, स्ट्रेट जाएगी, नेवर डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पोजिशन व्हेन इंसिडेंट एंगल विल बी जीरो डिग्री, राइट है, बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। टर्न टुवर्ड राइट, बिल्कुल गलत, क्योंकि जीरो डिग्री नहीं जाएगी, बेंड एट 45, बिल्कुल गलत। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, गो स्ट्रेट। कंसेप्ट समझिए, ध्यान रखिए, बड़ा आसान कंसेप्ट है और याद रखिए। अगेन आई रिपीट द सेम लाइन, रिफ्लेक्शन में परावर्तन में हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, लेकिन अपवर्तन में एक ही स्थिति है रिफ्रैक्शन में, कि अगर लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो है, तो अगर एसी आई है तो स्ट्रेट निकल जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ऑप्टिक्स से तीसरा सवाल। मिराज इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ, बहुत बढ़िया, और इसके ऑप्शन उससे भी बढ़िया हैं, क्वेश्चन से भी अच्छे क्या हैं? ऑप्शन है। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने देखा मरीचिका, हिंदी मीडियम में बच्चों ने देखा मरीचिका, बच्चों ने देखा क्या मिराज, क्या रहता है जब कोई बढ़िया या इजी क्वेश्चन दिख जाता है तो ओवर एक्साइटमेंट के कारण हम क्या करते हैं, कई बार आंसर गलत लगा देते हैं। अब जैसे मिराज पढ़ करके मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चूंकि मुझे पता है या आपको भी पता है कि ये किसका अनुप्रयोग है, किसका एप्लीकेशन है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन है। लेकिन जरा ऑप्शन पे नजर मारिए, देखिए मिराज ओनली डिस्पर्जन ऑफ लाइट, गलत, डिस्पर्जन तो होगा ही नहीं, रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं होगा भाई, ना वर्ण विक्षेपण होगा ना परावर्तन होगा, ओनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बच्चा यहां से आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन सुनिए डी वाला ऑप्शन पढ़िए आप, क्योंकि सी वाला डी के रिस्पेक्ट में पूरी तरह से करेक्ट नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गलत है,
विथ रिस्पेक्ट टू द ऑप्शन डी, सी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। आओ चेक करते हैं। बोथ रिफ्रैक्शन बिल्कुल होता है जब तक लाइट रे इंटर नहीं करेगी किसी मीडियम में, या यदि मीडियम चेंज नहीं करेगी, टकरा करके रिफ्रैक्ट नहीं होगी, तब तक दूसरी सरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो खाली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ में यदि रिफ्रैक्शन प्लस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ जाता है, यदि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ में रिफ्रैक्शन आ जाता है तो करेक्ट ऑप्शन क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन प्लस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगा। बराबर है? तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, पूरी तरह से पढ़ना है। सिर्फ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ नहीं जाएंगे, अपवर्तन प्लस पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके बच्चों, ये 2021 के फर्स्ट का अपर हाफ का हमने पेपर सॉल्व कर लिया है, ठीक, अप्रैल वाले सेक्शन का। जल्दी ही मैं अगला वीडियो नेक्स्ट पेपर का फिर से डालूंगा, ठीक है। सीखते चलिए, समझते चलिए, चीज़ों को ध्यान रखते चलिए, कुछ काम की बातें लिखते चलिए, याद रखिए, ठीक है। चलिए बच्चों, जय हिंद।